प्लीज कन्फाइन विद इन 5 मिनट्स। बहुत बहुत शुक्रिया उपसभापति महोदय, आपने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार संशोधन विधेयक 2017 में मुझे बोलने का मौका दिया। ये विधेयक अनट्रेंड टीचरों को ट्रेंड करने के लिए है और माननीय मंत्री जी जब सदन के पटल पर इसे रख रहे थे तो इन्होंने जानकारी दी कि प्राथमिक स्तर पर कुल 67.41 लाख शिक्षक में से 11 लाख शिक्षक जो हैं इनमें से 5.12 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के जबकि 5.9 लाख निजी स्कूलों के शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। इससे इस एक से जो प्रशिक्षित टीचर हैं उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, इसकी अवधि के विस्तार हो रहा है, इसके लिए मैं इसका समर्थन करती हूँ। माननीय मंत्री जी, ये विधेयक इसलिए लेकर आए हैं कि ताकि ग्रामीण इलाकों में पढ़ रहे बच्चे और शहरी में जो CBSE और ICSE स्कूल के बच्चों में फ़र्क दूर करने की कोशिश ये कर रहे हैं अपने विधेयक के माध्यम से। लेकिन क्या फ़र्क दूर होगा? आज भी बहुत सारे जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, वो अपने निजी स्कूलों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों पे वो कम ध्यान देते हैं। और निजी स्कूलों का इतना मन बढ़ गया है कि अगर लोग वहाँ एडमिशन कराने जाएं तो आम लोगों के बच्चों का एडमिशन नहीं लेते, लेकिन लोग वहाँ एडमिशन लेने के लिए परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा के स्तर पर जो है वो कमी आई है। मंत्री महोदय, सरकारी शिक्षा दी जा रही है, उसका विस्तार भी हो रहा है, उस पर पैसे भी खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी में सुधार कैसे आएगा इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। इस पर हम विचार करें कि जो लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ देख रहे हैं, जो गार्जियन ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं, वो सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की है और हमारे माँ बाप को भी ये था कि मैं कॉन्वेंट स्कूल में जाऊँ, लेकिन कई तरह की परेशानियाँ थी जिसके कारण मैं उस स्कूल में नहीं जा पाई। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि बिहार की अगर हम बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जब सत्ता संभाली तो सबसे पहला ध्यान उन्होंने तालीम की तरफ दिया, क्योंकि तालीम ही तरक्की का एक की कुंजी होती है। जब गाँव की लड़कियाँ स्कूल जाना छोड़ दी थीं, 5वें और 6ठे के बाद लड़कियाँ पढ़ाई करना छोड़ दी थीं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना की शुरुआत की और इसका ज़बरदस्त असर ये हुआ कि आज जो लड़कियां जो स्कूल में जो हमारे गाँव में अगर लड़कियां छोटे शहरों में साइकिल चलाए आती थीं तो उन पे लोग फप्तियां कसते थे और उन्हें उनके वालदैन को उनके माता पिता को उल्टी सीधी बातें करते थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो साइकिल योजना की शुरुआत की, इस तरह से लड़कियां आगे बढ़ीं और उसको देख करके लड़के भी आगे पढ़े और जो हमारे यहाँ जो बाहर बच्चे थे स्कूल के वो बहुत सारे बच्चे स्कूल भी आए और पढ़ने। एक आंकड़े हमारे पास में है, डाटा नेशनल सैंपल सर्वे का है कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू समुदाय के रूरल इलाके के 3 पॉइंट लोग बच्चे बाहर हैं और मुस्लिम्स में 4.3 के रूरल के बता रहे हैं और अर्बन में 2 पॉइंट्स बाहर हैं और मुस्लिम्स में 4.6 बाहर हैं। ये नेशनल सैंपल सर्वे बता रहा है। दूसरा नेशनल सर्वे जो बता रहा है वो ये कि 6 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो 26.7 हैं स्कूलों में लाख के, और जिसमें मेल की तादाद 18 लाख है और फीमेल की है 15.9, यानी इस बात की गवाही दे रहा है कि लड़कियों के अंदर पढ़ने की जिज्ञासा जागी है, लड़कियां ज़्यादा स्कूल जा रही हैं, लड़के क्यों जा रहे हैं इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। चूँकि जिस ये बात कहा गया है कि जिस माशरे में तालीम नहीं, जिस माशरे में तजारत नहीं, वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। किसी भी चीज़ की अगर
हम बुलंदी की बात करते हैं, हम एक अच्छी इमारत की बात करते हैं, उसके लिए एक अच्छी नींव की ज़रूरत है। अगर हमारे बच्चे एक अच्छे नींव, उनकी पढ़ाई एक अच्छे तरीके से होगी, उनकी नींव मजबूत रखी जाएगी, तो इमारत भी है जो शानदार और जानदार बनेगा। माननीय मंत्री जी, मैं एक बात कहना ये चाहती हूँ कि आप जो निजी स्कूल है, सरकारी स्कूल तो इस पर ध्यान दे ही, साथ में निजी स्कूल की जो मनमानी हो रही है, इस पर लगाम लगाने के लिए आप जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन करें, उसमें सांसदों और विधायकों को सदस्य जरूर बनाएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि जो 40 बच्चों में एक टीचर है, और अभी बताया गया कि 9 लाख पूरे हिंदुस्तान में वैकेंसी है टीचरों की, 10% सिंगल टीचर्स ऐसे स्कूल हैं जहां पे सिंगल टीचर्स हैं, इन सब की वैकेंसी को भरने की आवश्यकता है। आपने बताया अपने संबोधन में कि स्वयं प्रभा जो 32 चैनल्स है और ये तीन बार दिखाए जाएंगे, इससे आपके जो अप्रशिक्षित जो अनट्रेंड टीचर हैं वो ट्रेंड होंगे। लेकिन ये भी आपको बताना होगा, ये ट्रेंड टीचरों को किस तरह से हम उनका एग्ज़ाम लेंगे, और जो पहले जो 55 लाख जो टीचर्स ट्रेन हो चुके हैं, तो क्या इनको भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी? मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे गार्जियन जो निजी स्कूलों की तरफ ध्यान देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि वहाँ के टीचर जो है स्मार्ट बोर्ड में पढ़ाते हैं, इसलिए वहाँ के जो गार्जियन है स्मार्ट अपने बच्चों को बनाने के लिए वो निजी स्कूलों पे ध्यान देते हैं। हमारे टीचर्स जब स्मार्ट होंगे तब हमारे बच्चे जब स्मार्ट होंगे तो वो जो निजी स्कूल के बच्चों हैं उनको ये कहने पे मजबूर होंगे। मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि घर से है क्या मतलब, स्कूल है वतन मेरा, मर जाएंगे किताबों में, वर्क होगा कफन मेरा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू परवीन जी।